तो देखो भाई, आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना उदास क्यों बैठा हुआ है। हाँ, तो ये फर्रे मेरे हाथ में जो और भी हैं, तो ये फर्रे जो मेरे हाथ में मैंने ये सब है व्हाट्सएप की तरफ से। तो देखो भाई, व्हाट्सएप फेमस है अपने एड फ्री के लिए, बट मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम टिकने वाली है। तो यार, व्हाट्सएप की जो एड्स है ना भाई, वो भी शायद आने वाले हैं। सुनकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा हो कि व्हाट्सएप में ऐड, जैसे मतलब कहीं दूसरी वेबसाइट में आप लोगों को ऐड भागते हुए दिखते हैं, तो वैसे ही आपको व्हाट्सएप में भी दिखेंगे। व्हाट्सएप के प्रो पैसे वाले वर्जन आना चालू हो जाएंगे। तो यार, इस पूरी बात को जानने के लिए आप देखते रहिए इसमें आगे। कोविड से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है। तो देखो भाई, अगर आपने एक सेकंड भी वीडियो स्किप करी तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला। ठीक है यार, ये वाली वीडियो मैंने एक बार पहले बनाई थी, तो उसमें भाई मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया था, सिर्फ ऑडियो वाला ऑन किया था। पोपट बन गया। तो देखो भाई, व्हाट्सएप ने अपने लॉन्च करे फर्रे, ये देखो आप सारे फर्रे हैं। ये पॉलिसीज जो मैं बोल सकता हूँ, तो व्हाट्सएप की इतना लंबा फर्रा आया है, मतलब इतने लंबे पर्चे, तो यार आधे से ज्यादा लोग समझ रहे हैं। वही स्टूडेंट टीचर का काम समझाना, हम सुन रहे हैं, एक कान से जा रहा है अगले कान से निकल रहा है, भाई वैसा नहीं समझाऊंगा। तो व्हाट्सएप ने उन फर्रों में भाई ऐसी ऐसी चीजें लिखी है ना भाई, लोगों के दिमाग यहाँ से घुटनों में आ जाएगी। घुटनों में किसी की दिमाग पहली से, मेरी पहली से है भाई, अब मेरी घुटनों से पैर के नीचे चली जाएगी। तो देखो भाई, व्हाट्सएप के फर्रों का कुछ ज्ञान मैं आपको बांटता हूँ, थोड़ा बहुत बांटूंगा, ज्यादा बांटूंगा वरना आप बोर हो जाओगे। तो ये फर्रे जो है भाई, इनके कुछ ज्ञान है, देखो सॉरी इनको साइड रखते हैं, हम नॉलेज वाले पर्सन है। ये फर्रे भाई, देखो भाई, बंदे बोलते थे भाई तुम्हारी एक मार्क्स आते हैं, दो मार्क्स आते हैं, जीरो आती है भाई, तो तुम फर्रे यूज कर दो, पर मैं बोलता ना भाई ना, हम देखते हैं जितने बोलते। तो हमने वही पालन करा एकदम, और फर्रे साइड रखे, और दोस्तों हम खुश थे, जीरो जीरो अंडू में। बट फर्रे वाली बात मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए भाई अभी भी मैं आपको ज्ञान दूंगा बट बिना फर्रो के। तो आपको पता है बिना फर्रो का ज्ञान कैसे होता है, ज्यादा बकवास होगी, तो भाई चलो शुरू करते हैं। तो भाई, जो हमारे इतने इतने से बच्चे हैं, 2 साल के 3 साल के 1 साल का 0 साल का, तो भाई वो लोग जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं दवा के, तो यार उनके लिए व्हाट्सएप ने एक मस्त पॉलिसी, बहुत पहले से थी उसकी पॉलिसी, पर आप लोगों को पता नहीं थी। जिन जिन एक आधु को पता नहीं है, व्हाट्सएप जो होता है वो 16 ईयर अबव के लिए, मतलब 16 साल के नीचे वाले अगर व्हाट्सएप चला रहे हैं तो भाई सॉरी, उनके लिए नहीं है। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में साफ साफ लिख रखा है व्हाट्सएप 16 प्लस के लिए होता है, और एक और चीज उसने लिखा है कि उससे छोटे बच्चे अगर चला रहे हो तो उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। पर भाई तब भी भरे पड़े लगे पड़े हैं भाई व्हाट्सएप चलाने में, 2 साल का बच्चा यूज कर रहा है, फोटो भेजने पे लगा है भाई, दोस्त को काम नहीं करता है वो, उसको फोटो भेजो। जिस बंदे को कुछ नहीं आता, नकल में बहुत ज्यादा तेज है, तो उसको बड़ी आसान कर दे रहे हैं वो लोग, मतलब व्हाट्सएप से भेजे जा रहे हैं फर्रे आजकल। जितने भी बच्चे देख रहे वीडियो, तो भाई वो कमेंट में भर देंगे भाई क्यों, हमारी मर्जी है, तो भाई अपनी मर्जी में चलो, पॉलिसी के अगेंस्ट है वो बात, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो भाई लोगों, व्हाट्सएप ने आप लोगों के लिए एक मस्त मस्त कुछ और पॉइंट्स। व्हाट्सएप ने अपनी घनी सिक्योरिटी को जानने के लिए बताया कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज करते हैं, बहुत भारी वर्ड था मेरे लिए। तो भाई लोग, होता क्या ना, जैसे कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो ना, तो वो उसी बंदे के पास मैसेज जाएगा, वो व्हाट्सएप की जो भी काम करता होंगे उनके पास बिल्कुल नहीं जाएगा, उनको जाएगा पर वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। इंक्रिप्टेड मतलब जैसे कि कोई कोडेड फॉर्म, मतलब जैसे कि आपने कोई फोटो भेजी तो फोटो को बोलेगा 00122222। साथ साथ में व्हाट्सएप ने ऐसा बोला है कि हम उस पर्टिकुलर डेटा, मैसेज मतलब या फिर फोटो को डिलीट कर लेते हैं जैसे ही वो रिसीवर के पास पहुंचता है, मतलब आपके दोस्त के पास पहुंचेगा तो वैसे ही वो डिलीट हो जाएगा। बट अगर दोस्त के पास नहीं पहुंचा तो वो 30 दिन तक आपके सर्वर में, आपके मतलब व्हाट्सएप के सर्वर में रहेगा, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो मान लो गाइस, 30 दिन बाद आपके दोस्त का पेपर है और आपको भेजने हैं चीटिंग के फर्रे पेपर, और वो उसको देखने 30 दिन बाद, तो दोस्त ऐसा था कि भाई 30 दिन से पहले उसकी नजर नहीं पड़ती है पढ़ाई की चीजों में, तो 30 दिन के लास्ट दिन बाद उस पर नजर पड़ी, जब उसकी जिस दिन एक्चुअली पेपर था, पेपर में टाइमिंग चल रही थी और मस्त रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी जिसमें कि वो पकड़ा जाए, और वो पाता है कि मेरे फोन पे ऐसा कोई भी फोटो नोट्स वगैरह सेंड नहीं हुए, तो शायद वो आपके हाथ पैर या दांत भी तोड़ सके। तो अगर आपने ये व्हाट्सएप की पॉलिसी नहीं सुनी होती ना, तो भाई भयानक सीन हो जाता। और सिक्योरिटी की बात, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखा। वैसे आपको पता है इसकी पेरेंट कंपनी है फेसबुक, और फेसबुक के सिक्योरिटी के चर्चे आपने देखे नहीं होंगे। किसी को भी पूछोगे भाई सबसे ज्यादा भयंकर सिक्योरिटी में कौन है, फेसबुक का नाम वो बोलना नहीं छोड़ेगा। भाई अकाउंट हैकिंग, इतने सारे अकाउंट भाई महीने के हैक होते हैं। किसी भी बंदे को पूछो भाई आप लोगों की कौन सा अकाउंट तो हैक कर देगा, भाई फेसबुक का वो नाम कभी नहीं छोड़ेगा। सिक्योरिटी के मामले में फेसबुक एकदम खत्म, एकदम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया बोल रही है, ठीक है। और व्हाट्सएप फेसबुक को क्या बिक गया कि भाई व्हाट्सएप की भी यही चर्चाएं चालू होने लगी हैं, अब क्या बताएं। तो गाइस लोग, साथ में व्हाट्सएप ने बोला है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करता है, मतलब आपको मैं समझाता हूँ। तो देखो भाई, कुकीज टपाता है हमारा व्हाट्सएप, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलो भाई, अमेज़न का एग्जांपल लेते हो, तो अमेज़न में अगर आपने सर्च करा
बच्चों का खिलौना, मान लो कार, तो कार सर्च करी आपने और भाई, तो उसके बाद आप गूगल में जहां भी जा रहे हर जगह कार ही कार, कार ही कार, और आप परेशान। तो कुकीज को क्या करता है Amazon, जस्ट मतलब थर्ड पार्टी लोगों को भेजता रहता है, मतलब जैसे किसी भी वेबसाइट में भेजेगा जो गूगल में आपको जस्ट दिखती होंगी बहुत सारी वेबसाइट में। तो देखो भाई, जो आपने कार सर्च करी थी Amazon में, वो जस्ट उसने सेव करी है कुकीज में या परसिस्टेंस कुकीज में, जो कि एग्जैक्टली उसके वेबसाइट में हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। तो Amazon क्या करेगा, उस कुकीज में जो डेटा है आपका कार वाला, वो जस्ट शेयर कर देगा ऐसी थर्ड पार्टी चीजों के पार। उसके बाद आपको एड कार ही कार दिख रही है एड में, तो जस्ट इसीलिए होता है ऐसा। तो एग्जैक्टली आप लोग को शायद पता नहीं है ऐसा क्यों होता है। देखो भाई, ये है एक बिजनेस का तरीका। तो बिजनेस में क्या होता है कि जस्ट आपने वो कार देखी, तो Amazon का फायदा होगा उसको कुकीज देने का। इसका मतलब क्या है, जिस वेबसाइट को आप देख रहे हो जहां पे आपको कार ही कार एड ही एड दिख रहे हैं, तो उस वेबसाइट ने क्या करा है, Amazon से लपेटा है वो सारी कुकीज और आपको दिखा रहा है मस्त मस्त एड, जिससे कि आप खरीदो उसको पकड़ के। और कहीं तो खरीद देते हैं, क्योंकि भाई उनकी इंटरेस्ट की भी चीज है और मस्त सब बिजनेस भी हो जाता है इसका, क्योंकि वो आपको पोपट बनाते हैं। पोपट बनाने की बात नहीं है, बन रहे हो आप, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम बोलो। तो नाउ गाइस, अब फाइनल बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो भाई, व्हाट्सएप ने क्या करा हुआ एग्जैक्टली आपको पता नहीं है। व्हाट्सएप बोल रहा है कि अभी तक हमने कोई भी बैनर एड आपको दिखाई नहीं है, और ना ही हमारा इंटेंशन है कि आपको दिखाने का। बट उसने लास्ट में आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसने ये भी लिखा है कि अगर हम अपनी पॉलिसी को और ज़्यादा अपडेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब वो ऐड लाने की कोशिश करेंगे तो आपको नोटिफाई जरूर कर देंगे। तो यार ये बात लिखने में तो उनको शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है भाई कि एड्स लाना है, क्योंकि भाई अगर इनका कोई सीन नहीं होता लाने का तो ये कभी नहीं लिखते, बल्कि ऐसा लिखते कि वी डू नॉट वॉन्ट एनी एड इन माई वेबसाइट, या भी कुछ ऐसी भयंकर चीज लिख लेते वो, जिससे कि बहुत लोग चपेट में पड़ जाते भाई, और ये वीडियो कभी नहीं बनती। तो देखो गाइस, बात को समझो। देखो कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेट उठने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, बट आपको मिल रहा है वो सुबह उठा हुआ 2 बजे 3 बजे, भाई उससे पहले सोया मिल रहा है भाई, तो क्या बात करें अब। तो देखो भाई, उस बंदे की तो कोई इंटेंशन ही नहीं है भाई देर में उठने की, बट अब उठा ही नहीं जा रहा उससे सुबह, तो अब क्या करें। तो सेम यही बात है भाई व्हाट्सएप के साथ, बोल रहा कि हम एड्स का कोई इंटेंशन नहीं है, पर पैसे की कमी की वजह से वो कर देगा। इस बात को मैं एकदम नकली मान लेता अगर वो ये नहीं लिखता कि अगर फ्यूचर में हम अपडेट करना चाहेंगे आपकी पॉलिसी को, तो भाई व्हाट्सएप कोई फायदा नहीं हुआ आपको ऐसे बोलने का, इंटेंशन नहीं है। जब आपने लास्ट में इंटेंशन के साथ बोल दिया भाई फ्यूचर में लाएंगे कभी ना कभी, तो भाई लाएंगे तो ना। तो गाइस लोग, शायद आप समझ गए और ये भी समझ गए होंगे कि एड्स आने वाले हैं कि नहीं, और आ भी सकते हैं। यार कोई भरोसा मेरे को बिल्कुल किसी पे भरोसा नहीं है। मेन रेवेन्यू जो भी कंपनी कमाती है वो कमाती है एड से। अगर वो बैनर एड दिखाना चालू कर दे तो भाई आप लोग का तो घाटा ही घाटा, बार बार लिंक में क्लिक हो गए भाई आप उसमें चले जाओगे, बट व्हाट्सएप का फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, इतना मुनाफा, और साथ में अगला मुनाफा भाई प्रो वर्जन, ये वर्जन पता नहीं कौन कौन से वर्जन निकालता है, 300 रुपए, 1000-2000 रुपए, इतने रुपए आपसे लपेटेगा वो एड्स ना करवाने के। और भाई लोगों, एक मोर इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, तो भाई हमारे इंस्टाग्राम पे हो चुके हैं 10K कंप्लीट, और वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी। बट आप लोग भाई YouTube पे फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, 3K के बहुत ज़्यादा नियर हैं हम। और बाकी यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, इंटरेस्टिंग शायद वीडियो होगी अगली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना इतनी सी भी भाई, तो यार लाइक कर दें, लाइक मैटर्स अलॉट। और बाकी भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप मुझे बताएं, और शेयरिंग केयरिंग तो आपको पता ही है सब चीज़ भाई, पेपरों में इतने फर्रे शेयर करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होती है, बट भाई इस वीडियो को शेयर करने में आपको बहुत दिक्कत होती है भाई। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।